पूरा दिन भाग दौड़, एंग्जाइटी, बार्गेनिंग, देन लूजिंग के बाद फाइनली जब 3 घंटे लेट अपने होमस्टे की लोकेशन पे पहुंचा, तब तक मुझे पता लग गया था कि क्यों लोग अपने ट्रैवल व्लॉग्स में वही सेम आधा सुंदर लोकेशन और ऑफिस की प्रेशर से 2 दिन की शांति चाहिए वाला वॉइस ओवर्स के अलावा कुछ नहीं करते। बिकॉज दैट्स इजी टू डू। अब डालते हैं इस पे पर्सपेक्टिव। मेन पर्पस अगर ये लेके चले कि सिर्फ बेसिक बोरिंग लोकेशंस टू लोकेशन से नहीं दिखाना, देन कुछ स्टाइल्स हैं जो यूनिकनेस लाता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। अनलेस तुम ऐसी कोई जगह इन्वेंट करके जा रहे हो जहाँ 2 पैरों वाले तुम पहले हो, या फिर एक्सट्रीम लग्जरी वाला सीन औकात के 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो सिर्फ लोकेशन वाला शॉट्स वॉइस ओवर से काम चल जाएगा। बट लोग सब कुछ देख चुके हैं ऑलरेडी, एक्टिविटीज जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसके साथ भी सेम फॉर्मूला। दूसरा, यू आर एन एब्सोल्यूट सेलिब्रिटी, एक ड्रेस 2 बार पहनने से बोल्ड कहलाए जाने वाले। अदर देन दैट, लोग क्यों उतना डीप इंटरेस्ट कहाँ से आएगा लोगों को? नाउ थिंक इट लाइक दिस, ये सब लोकेशंस तो तुम भी देख चुके हो हजारों बार, सेम एक्टिविटीज कहीं और पे किया भी है, सारे देखने का एक्सपीरियंस तुम्हें भी है बार बार, फिर भी तुम हर बार क्यों इंटरेस्टेड होते हो फॉर एनी ट्रिप? बिकॉज इट्स यू। Your views, your expectations, your reality, the perspective. Why not showing that? 3 simple ways. The real angle, as it is. Story जैसा जैसा तुम्हारे साथ हुआ, exactly वैसे, same to same. सिर्फ कहाँ पे जा रहे हो, क्या खा रहे हो, एक की बात एक बोलते जाना नहीं। जो जो चीज तुम्हारे साथ हुआ है, the incidents, उसके related feeling, उसके related changes, बस story line यहाँ पे पूरा real है। दूसरा है द फिक्शन एंगल। ट्रिप जर्नी शॉट सेम ही है, बट स्टोरी तुम उसकी बेसिस पे क्रिएट कर रहे हो, जो मजेदार हो सकता है, थ्रिल हो सकता है, फेक प्लॉट हो सकता है, उसमें ट्विस्ट भी आ सकते हैं। रियलिटी से बिल्कुल अलग स्टोरी बनाना, जो हुआ ही नहीं, जो मोस्टली बैठ के सोच के लिख के करना पड़ेगा बाद में, बस उसे रियल मत बता देना। ऑथर्स या फिल्म मेकर्स जैसा सोचो, इन्फ्लुएंसर्स जैसा नहीं। तीसरा है द थीम एंगल। कोई भी थीम के ऊपर पूरा ट्रैवल स्टोरी, जो कि प्रोडक्ट का टेस्ट हो सकता है, फूड हो सकता है, फैशन हो सकता है, हर साइट सीइंग पे जाके किसी लड़की का फोन नंबर लेना, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, मतलब एक पर्टिकुलर किसी थीम के लिए ही तुम्हारा पूरा ट्रिप या व्लॉग। माई फेवरेट है टू मेक योरसेल्फ एज अ प्रोटैगनिस्ट। द मेन पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और हर प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या होता है, गलत चीजें। अगर निकलने के टाइम ड्राइवर का फोन स्विच ऑफ हो जाए, या अगर नया ड्राइवर लेके पागलों की तरह पहुंच के सुनो कि फ्लाइट 3 घंटे डिलेड है, या फिर रिमोट लोकेशन पे कैश ना हो के भी ड्राइवर को चलिए बोल देना ये जान के भी कि वो UPI नहीं लेते, या लग्जरी रिसोर्ट की खूबसूरती के एक्सपेक्टेशन मैच होते ही तुरंत रूम में स्मोक डिटेक्टर दिख जाए, तो वो होंगे प्रोटैगनिस्ट के आगे चैलेंजेस वाला एंगल, मेरा फेवरेट, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर रियल, ऑथेंटिक। इस वर्ड को याद रखना, क्योंकि फ्लाइट्स के विंडो व्यू, एयरपोर्ट्स का फ्रेम, सिनेमैटिक शॉट्स, ये सब तो सब दिखाते हैं, बट फ्लाइट 3 घंटे डिले होने के बाद उसी प्लेन की पायलट के साथ किसी अमीर पैसेंजर की झगड़ा टेक ऑफ की 5 मिनट पहले, इज अ स्मॉल हर्डल, और तब पायलट की फेस देख के और कहीं ईगो में ना ले ले ये सोच के मेरे फट के हाथों में आ जाना, इज वेरी ऑथेंटिक टू मी। एक की बात एक मुश्किलें, ऑथेंटिक हर्डल्स लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, जर्नी अगर खुद की ना हो तो। वेयर एज भुवन बाम की ट्रैवल ब्लॉग्स फिक्शन स्टाइल में है, अब देना है वैरायटी। जो फिल्म मेकिंग का पार्ट है, इजी एक वे है अगर लोकल लैंग्वेज इंक्लूड कर पाओ तो, ह्यूमन इंटरेक्शंस, वैरायटी ऑफ एंगल्स, लेंसेज, मूवमेंट्स। पता है सोलो वाले लोकेशन शॉट्स में इमोशंस कैसे कनेक्ट होते हैं? साउंड से, कहीं से यूज करो, या फिर बेस्ट है टू कैप्चर उसी का रियल साउंड्स। सिर्फ म्यूजिक लगा के छोड़ मत दो आधा नंगा करके, और पूरा ही नंगा अगर नहीं करना है व्लॉग की फील को, तो म्यूजिक सिलेक्शन का ना एक ऑर्केस्ट्रा बनाओ, एपिडेमिक साउंड जिसके लिए ऑलमोस्ट फ्री में बेस्ट है, जेनेरिक ट्रैवल म्यूजिक,
प्लीज नो, क्योंकि इनके ट्रैवल सेक्शन में जिसमें एक्सप्लोर इंडिया बोल के खास एक प्लेलिस्ट है, एक बार सुन के देखो, यूनिकनेस प्लस क्वालिटी इस वीडियो में भी यूज्ड है, जो इनके ह्यूज रेस्ट्रिक्शन फ्री लाइब्रेरी का छोटा सा एक पार्ट है। रियल एम्बिएंट साउंड भी डाल दो उसमें। एक काम करो, एआई टूल्स भी साउंड मैच जैसे, वही कोई भी वीडियो अपलोड करने से अपने आप ट्रैक्स रिकमेंड कर देता है, या अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स कोई भी ट्रैक का, या कोई सा भी मूड या जॉनर जो अभी मोबाइल ऐप से कहीं पे भी मजे ले सकते हो। और जो एक्सप्लोर करने के चक्कर में, प्लीज भूल मत जाना कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके साइन अप कर लेने से 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद पूरा ही एपिडेमिक साउंड का पावर्स एंड फीचर्स तुम यूज कर सकते हो। यूज के बाद पता चलेगा कि दीज विल बी ब्रांड न्यू स्नीकर्स फॉर योर व्लॉग्स, लोग नोटिस करेंगे। अब अगर रियल साउंड्स यूज करना है, कैप्चर करना है, तो मोबाइल बहुत ऊपर है DSLR या मिररलेस की इनबिल्ट माइक से। यूज दैट समटाइम्स। ग्रेट ट्रैवल व्लॉग्स आर नॉट प्रिटी लोकेशन शॉट्स या योर सिनेमाटोग्राफी स्किल्स, इट्स द होल पैकेज। जहाँ पे बीच बीच पे अगर फेलियर्स डाल सकते हो, रियल हुआ या कंस्ट्रक्टेड, तो लोग रिलेट कर पाएंगे। सिर्फ स्टेटस या सक्सेसेस नहीं, लोग सिर्फ परफेक्शन दिखाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वैसा परफेक्शन लगभग सारे अचीव कर चुके हैं। वॉइस ओवर में रिवर्ब बढ़ा के ही सही, हम सोचते हैं कि अपना तो उतना क्लासी इंटरेस्टिंग है नहीं। अरे अगर कुछ ज्यादा ही सच दिखाने से डर रहे हो तो पिक द फिक्शन एंगल। सुनने में मुश्किल लग रहा है, एक बार शॉट्स देख के अपने हिसाब से लिखने बैठोगे ना, धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। 2-4-5 वैसे कर लेने से ना देखना है, उसके बाद रियल स्टोरी क्रिएटिव कंस्ट्रक्ट करने में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट एक चीज दिमाग में रखिए, देयर इज वन थिंग, व्हाइट रूम सिंड्रोम। जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कहाँ है, किस जगह पे है, उसका सेटिंग, उसका डिस्क्रिप्शंस, लोकेशंस, कहाँ पे बैठा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये मेनली राइटिंग में होता है, बट ये फिल्म या व्लॉग्स में भी होता है। अगर हर जगह की इन्वायरमेंटल सेटिंग, छोटी छोटी डिटेल्स कैप्चर नहीं करोगे, मतलब सिर्फ दिखा नहीं देना बीरोल्स के हिसाब से, उसे एज ए डिस्क्रिप्शन, चाहे वो डायलॉग हो, वॉइस ओवर हो, तुम बता रहे हो, ऑडियंस अगर फील नहीं कर रहा वो चीज़ कहाँ पे है, तो अब सब कुछ प्लान्ड तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है अगर सब कुछ लिख के जा रहे हो पहले से, बट मोस्टली अनप्लान्ड शॉट्स, टेक्सचर्स, छोटी छोटी डिटेल्स, सिर्फ लार्ज लैंडस्केप्स नहीं, छोटी छोटी डिटेल्स, जितना कैप्चर कर लोगे उतना सेफ। रियल फिक्शन दोनों में मदद मिलेगा, स्क्रिप्टिंग के टाइम, डिस्क्रिप्शन बनाने में, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, फील करवाने के लिए वो सेटिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बी कॉन्फिडेंट विथ योर रियलिटी, स्केयर्ड या अशेम्ड नहीं, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर टू Enjoy the trip. अच्छे स्टोरी ना इससे नहीं बनती, अच्छे एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, या बुरी।